आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि एसपी रोम जो कि कस्टम रोम्स होती हैं उन पे जो है आप MIUI का स्क्रीन रिकॉर्डर कैसे इंस्टॉल करें, उसके बारे में आपको बिल्कुल कंप्लीट बताने वाला हूँ। क्या कुछ वर्किंग मिल जाता है और बग हमें देखने को मिलता है कि नहीं मिलता, वो भी बताने वाला हूँ। और ये जो है फिलहाल अभी अल्फ़ा पे देखने को मिलता है, इसके और भी अपडेट आपको देखने को मिलेंगे, तो अगर आप कहोगे तो उन पर भी वीडियो बना दूंगा। फिलहाल इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं और किस तरीके से काम कर रहा है, परफॉर्मेंस कैसी रहती है स्क्रीन रिकॉर्डर की, लैग है कि नहीं है, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें जो है यहाँ पे पता चल सके। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कुछ जो हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर दिखा देता हूँ, उसके बाद इंस्टॉलेशन भी बताऊँगा। तो ये स्क्रीन रिकॉर्डर मैं इंस्टॉल कर रखा हूँ और यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे सेटिंग में चलते हैं तो पूरी सेटिंग्स आप देख सकते हो। यहाँ पे रिजोल्यूशन हो गया आपका क्वालिटी 40 Mbps तक का देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आप जो है पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप पे रिकॉर्ड करना चाहो कर सकते हो। ऑडियो सोर्स आपका जो कि साउंड सोर्स मिल जाता है, सिस्टम साउंड, और ये वर्किंग भी है तो इसका प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा। फिलहाल यहाँ पे फिक्स फ्रेम रेट मिल जाता है और यहाँ पे FPS जो है फिलहाल आपको 30 FPS तक की देखने को मिलेगी। लॉक स्क्रीन पे भी आप जो है रिकॉर्ड कर सकते हो इसे डिसेबल करके। बाकी सो टच जेस्चर आपको मिल जाता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है सेटिंग में। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पे आपको जो है वीडियो पे दिखा दूंगा। फिलहाल आपको अभी एक प्रूफ दिखा देता हूँ कि किस तरीके से काम करे, यहाँ पे दिक्कत नहीं है और काफ़ी स्मूथ भी काम करता है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे इसका जो है सैम्पल एक देखो, इंटरनल साउंड कैसे रिकॉर्ड कर रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देखें ये जो है साउंड बिल्कुल क्लियर रिकॉर्ड करता है इंटरनल साउंड को यहाँ पे, और काफ़ी स्मूथ भी है तो लैग आपको देखने को नहीं मिलता। बस यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ कि यहाँ पे जैसे रिकॉर्डेड है यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ से जो है वीडियो प्ले नहीं होती, क्रैश कर जाता है। तो इसके लिए जो है आप कोई प्लेयर यूज़ करना, जैसे कि फ़ोन में भी प्लेयर आपके रहते हैं डिफ़ॉल्ट एक वीडियो प्लेयर, या फिर आप MX प्लेयर पे प्ले करो, यहाँ पे जो है ये आराम से प्ले हो जाता है। बस वहाँ पे एक ही दिक्कत देखने को आपको मिलती है कि वहाँ पे आप वीडियो प्ले करोगे क्रैश कर जाएगा। बाकी आपका देख सकते हो बिल्कुल 30 FPS आपका स्मूथ होता है, लैग नहीं। जैसे आपकी रोम की परफॉर्मेंस रहेगी उसी तरीके से ये जो है काम करता है, तो यहाँ पर लैग आपको नहीं मिलता, काफ़ी स्मूथ रहता है। साथ साथ आप टोगल्स पर भी जा सकते हो, इसके अपने कस्टम रोम के टोगल पर लास्ट पर जाओगे तो यहाँ पर टाइल्स भी इसका मिल जाता है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट ऐड कर लेना इसको, सिंपली किसी किसी में ड्रैग करके ऐड करना होता है तो ड्रैग करके ऐड कर लेना। बाकी आप देख सकते हो यहाँ डायरेक्ट आप इस तरीके से नॉर्मल आप जैसे कि MIUI पे आपको मिलता है उसी तरीके से आप इस कस्टम रोम पे भी इस तरीके से टॉगल के थ्रू भी इनेबल कर पाओगे और यूज़ कर पाओगे। काफ़ी अच्छी तरीके जो है ये काम कर रहा है यहाँ पे। अब बात करते हैं इसके इंस्टॉलेशन के बारे में। तो इंस्टॉल के लिए सिंपली आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे मैजिक मैनेजर की, और रूट करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपका फ़ोन में जो है एंड्रॉयड 6 से लेकर के एंड्रॉयड 12 के बीच में कोई भी होना चाहिए कस्टम रोम आपका। तो यहाँ पर जो है बस आप कस्टम रोम पे कर पाओगे, MIUI पे तो आपको ऑलरेडी मिलता है। तो ये कस्टम रोम SP रोम जो होती हैं उन पे आप ये चीज़ कर पाओगे। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे ये फाइल की, दो फाइल आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, दोनों को ही डाउनलोड कर लेना। अगर वहाँ पे डाउनलोडिंग में कुछ प्रॉब्लम आता है तो VPN यूज़ कर लेना। फिलहाल आपको यहाँ पे जो है ये दोनों फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो जाके डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे डेट देख लेना, लेटेस्ट अगर अपडेट हुआ रहेगा तो लेटेस्ट ही कर लेना। उसके बाद आपको अपने मैजिक के अंदर जाना है और यहाँ पे आकर क्या करना है, इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज पे आपको जाना है। और यहाँ पर अगर शो ना करे तो सिंपली अपने स्टोरेज में यहाँ से आप जाना और सबसे पहले आपको MIUI जो कोर है इसको आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे फ्लश कर देना। ये आपका जो है यहाँ पे फ्लश हो जाएगा, ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लगता ये जो है फ्लश हो जाए। तो इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, बैक करके इसको इंस्टॉल नहीं करना, आपको डायरेक्ट यहाँ पे रिबूट कर देना है। अगर आप बैक करके इंस्टॉल करोगे तो आपका जो है फेल भी हो सकता है ये चीज़, इसलिए यहाँ पर रिबूट कर देना। तो उसके बाद जब रिबूट करके आपका फ़ोन ऑन हो तो उसके बाद वापस आपको मैजिक पे जाना है और यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो हमारा MIUI कोर है ये इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर जो है इसको इंस्टॉल कर देना। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है ये, यहाँ पे चेकिंग इस तरीके से होता रहता है थोड़ी देर के लिए। तो मैं यहाँ पे ATX जो है वीडियो यहाँ पे फास्ट कर दिया हूँ, तो आपका जो है थोड़ी देर बाद ये भी जो है यहाँ पे डन हो जाएगा। तो अगर किसी का फेल आता है तो एक बार रिबूट करके वापस ट्राई कर लेना यहाँ पे, तो ये जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे फ्लस हो गया डन, यानी इसको भी रिबूट कर देना है। उसके बाद आपका यहाँ पे आप देख सकते हो MIUI के स्क्रीन रिकॉर्डर आ चुका है। तो इस तरीके से जो है पे इसको इंस्टॉल कर पाओगे। पूरी सेटिंग्स आपको ऑलरेडी दिखाई चुका हूँ किस तरीके से काम कर रहा है, इंटरनल साउंड भी यहाँ पे वर्किंग है बिल्कुल रिकॉर्ड कर रहा है, तो ये भी आपको दिखा दिया हूँ। बस यहाँ पे अभी फिलहाल 30 FPS तक देखने को मिल जाता है, तो आप इसे जो है यहाँ पे यूज़ कर पाओगे, आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करें कि अनइंस्टॉल मान लो किसी को करना है
बाई चांस किसी को मान लो अनइंस्टॉल करना हो, काफ़ी लोग पूछते भी हैं, तो इसके लिए आपको सिंपली मैजिक पे जाना है और यहाँ पे नीचे रिमूव दिया गया इन दोनों पे, रिमूव पे क्लिक करके सिंपली आपको रिबूट कर देना है, बस ये जो है रिमूव हो जाएगा। वापस रिस्टोर करना है तो यहीं पे आप टैप कर लो, लेकिन अभी रिस्टोर हो जाएगा, रिबूट कर दोगे तो फिर डिलीट हो जाएगा, वापस फ्लश करना पड़ेगा। तो इस तरीके जो है आप रिमूव भी कर पाओगे यहाँ पे। तो बस काफ़ी ईजी है यहाँ पे इंस्टॉल करना और रिमूव करना, बस आपको यहाँ पे रूट करने की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी आप कस्टम रोम की किसी भी रोम पे आप ये चीज़ कर पाओगे इस तरीके से। बस आपको एक बार फ्लश करने के बाद रिबूट कर लेना है, दोबारा आपको MIUI को रिबूट करने के बाद ही फ्लश करना, जो कि स्क्रीन रिकॉर्डर है, जैसा कि मैं आपको बताया वीडियो में उसी तरीके से करना। तो बस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दीजिएगा, ताकि अगली वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, और इसके आगे के जो फ्यूचर अपडेट आएंगे तो उसके लिए भी आप बताना, बाकी एक्स्ट्रा जो भी आते हैं MIUI वाले कस्टम रोम के लिए तो उसकी वीडियो आपको जल्द देखने को मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।